बाल संरक्षण के लिए बनी बाल पंचायत जबलपुर संभाग की पहली बाल पंचायत का नव निर्माण। टिकला ग्राम पंचायत में पहली बार निर्विरोध बाल पंचायत का नव निर्माण किया गया। बाल मित्र समूह ने बताया कि बाल पंचायत बनाने के लिए एक माह पूर्व से ही इसकी योजना चल रही थी, जिसके चलते विभिन्न ग्राम पंचायतों के बच्चों की बैठक की गई। इसके लिए सभी बच्चों की सहमति ली गई। वहीं बाल मित्र युवा सेवा दल अमित सराठे, महेंद्र सिंह, गुरप्रीत, रुचि सुरभि के विचार विमर्श किए गए और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण किया गया। बाल पंचायत का निर्माण सुश्री मेघा पवार के मार्गदर्शन एवं तत्वाधान में हुआ। उन्होंने बच्चों के संरक्षण व सर्वोत्तम हित में ध्यान रखते हुए बनाया। बाल सरपंच विकास पांडे, उप सरपंच करिश्मा पटेल, सदस्य मोहित रोहित को पदभार ग्रहण करवाया। बाल मित्र समूह की सुश्री मेघा पवार के तत्वाधान में इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया, जहां पर वरिष्ठ चयन अतिथि गण के रूप में उपस्थित हुए। लगभग 100 से 125 के बीच बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों के बच्चों ने हिस्सा लिया। जी मैम बताएं क्या कार्यक्रम। हमारे यहाँ सबसे पहले आज बाल पंचायत का निर्माण हुआ, जो जबलपुर संभाग की सबसे पहली बाल पंचायत है, जिनमें 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों ने भाग लिया और उनको निर्विरोध चुना गया। ये सबसे बड़ी बात है, पूरे बच्चों ने एक मत होकर इन बच्चों को चुना है, जिसमें विकास पांडे हमारे यहाँ के पहले बाल सरपंच बने हैं, उप सरपंच हमारे करिश्मा पटेल हैं, वार्ड मेंबर से पूर्णिमा कशिश वानखेड़े शिवाजी वार्ड से बने हैं। सबसे हमने इनमें उद्देश्य हमने ये रखा है कि बच्चों के बाल हितों को देखते हुए और बच्चे ग्रामीण विकास की ओर सबसे ज़्यादा ध्यान दें और उनको आगे निरंतर आगे बढ़ाएं, ये हमारा मेन उद्देश्य रहा। और इनके लिए जो वार्डों के नाम रखे गए हैं, हमने महापुरुषों के नाम पर रखे हैं, जिससे बच्चे हमारे संस्कृति को और हमारे धरोहर को और हमारे महापुरुषों को हमेशा याद रख सकें और उनको एक अच्छा मैसेज दे सके। हमारी ये प्रक्रिया एक माह से चल रही थी, इसमें बाल मित्र समूह के सभी बच्चे और बाल मित्र सेवा दल के अमित सराठे, हेमंत, योगेंद्र, उन्होंने सभी लोगों ने एक सहयोगपूर्ण रुचि हमारे यहाँ की शिक्षक हैं सुरभि ने लोगों ने सभी लोगों ने छोटी छोटी बैठकें ली बच्चों के साथ। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 100 बच्चों से लेकर 170 बच्चों तक के कम से कम बच्चों से हमारी वार्तालाप हुई, छोटी छोटी जगह बैठक हुई, फिर उन्हें जाकर एक मत होकर उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम इसको आदर्श बाल पंचायत बनाने के लिए हम क्यों ना इसको निर्विरोध चुनाव किया करें और उसको शांतिपूर्ण ढंग से भी किए। हमको इसके लिए हमारे सरपंच हमारी रेखा बेलवंशी जी, पूर्व सरपंच हमारी आदरणीय गुड्डी आंटी जी, लोगों ने हमारे बच्चों को शपथ दिलाई और उनको बहुत बहुत बधाई दी। इसमें सभी हमारे यहाँ के उपस्थित वरिष्ठ नागरिकगण उपस्थित रहे और बच्चों में इतना उत्साह था कि उन्होंने कभी इस विषय को सोचा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने इस कार्य को अपने लिए एक निरंतर प्रक्रिया में लाने के लिए शपथ ली और हमेशा इस कार्य को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए ही प्रयास करता है। आगे क्या कर बच्चे नोवे ये और हमारे बीच में एक संवाद का कार्यक्रम, बाल संवाद का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें सभी बड़े लोग उपस्थित होंगे अधिकारी और उनसे संवाद करेंगे। इसके आगे हमने इस तिघरा पंचायत के अलावा भी हमने ऐसी और पंचायतों का निर्माण करने की, ग्राम पंचायतों में निर्माण करें, जैसे कि सोनपुर हो गया, पिपरिया, उमरिया, बिरनेर, इन क्षेत्रों में जाकर भी हम बाल पंचायत का निर्माण करेंगे, जिसमें बच्चों के विकास और उनमें नेतृत्व की क्षमता बढ़े, जिससे वो अपने आप को दृढ़ और अपने एक समाज में एक नाम रोशन कर सके, जिससे अपने समाज का और देश का नाम आगे बढ़ा सके। आपका शुभ नाम। मेरा नाम मेघा पवार वटवाल है, मैं बाल कल्याण समिति सदस्य हूँ। बाल मित्र समूह हमारा 5 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहा है, जिसमें मैं संयोजक और संरक्षक हूँ। धन्यवाद। जी बताएं क्या कार्यक्रम था ये। जबलपुर में प्रथम बार हमारे यहाँ ग्राम बाल पंचायत का निर्माण हुआ, जिसमें हमारे ग्राम टिकरा के सरपंच, उप सरपंच और सभी वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे और 70 से 80 बच्चे के बच्चे तादाद बच्चे भी उपस्थित थे, जिन्होंने हमें निर्विरोध मुझे उप सरपंच और विकास पांडे को सरपंच चुना। और यह बाल पंचायत बाल बच्चों के सहयोग के लिए बनाई गई है और मैं उप सरपंच करिश्मा पटेल इस पर अपना पूरा सहयोग दूंगी। धन्यवाद।